हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है प्रिपरेशन फॉर इमरजेंसी कंट्रोल प्रोग्राम का सेकंड पार्ट। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको इमरजेंसी कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में बताया था, उसके बाद मैंने प्रिपरेशन फॉर इमरजेंसी कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में बताया था जिसका पार्ट वन था वो, अभी पार्ट सेकंड है। ठीक है, तो पार्ट वन में हमने बात करी थी इसकी इम्पॉर्टेंस की, कि इम्पॉर्टेंस क्या क्या है इसकी, हम प्लानिंग कैसे क्रिएट करेंगे, हम कैसे ऑब्जर्वेशन करेंगे, हम कैसे वो सारी जो ऑब्जर्वेशन करी है उसके बारे में सोच के हम कैसे प्रिपरेशन जो आगे प्लान है वो बनाएंगे। ठीक है, अब हम इस बार नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है हमारा कि हमें आगे प्रिपरेशन में क्या करना है। तो हमें क्या करना है, क्रिएट एक्यूरेट प्लान्स एंड इवैक्यूएशन रूट्स। ठीक है, इवैक्यूएशन रूट्स और हमें एक एक्यूरेट प्लान्स बनाने हैं। ठीक है, तो हम एक्यूरेट प्लान और इवैक्यूएशन रूट्स कैसे बनाएंगे, तो इवैक्यूएशन रूट्स यानी कि हमें बाहर निकलने का रास्ता। ठीक है, क्योंकि जब इमरजेंसी आएगी तब हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना हमारा इवैक्यूएशन रूट क्या है, एग्ज़िट हमें कहाँ से करना है। अब जैसे बहुत सारे दरवाजे हैं, अब आपको जब यही नहीं पता कि मुझे कौन से दरवाजे से बाहर जाना है, और आपको ये भी हो सकता है जब कोई एक्सीडेंट होता है तो आपको नहीं इतनी जल्दी क्लियरली चीज़ें शो हो रही हैं, सभी लोग भागे दौड़ जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो आप एग्ज़िट वेज बनाएंगे उनको आपको हाईलाइटेड रखना है। ठीक है, एरो से इंडिकेट करना है उन्हें, लाइटिंग से, जैसे कि आपने देखा होगा मूवी थिएटर में जो एग्ज़िट डोर्स रहते हैं, आपने देखा होगा उसमें रेड लाइट जो हमेशा जली रही होती है, वो यही शो कर रहा होता है, वो यही इंडिकेट कर रहा होता है कि ये एग्ज़िट डोर है, ताकि कभी भी इमरजेंसी आए तो लोग इधर उधर ना भागें, एग्ज़िट डोर से सीधे बाहर निकल जाएँ। ठीक है, तो इसी तरीके से इसमें यही बताया गया है, इंडिकेटर्स हमें लगाने हैं इमरजेंसी रूट्स पे, रेड एग्जिट साइन लगाने हैं स्टेयर केसेस एंड डोरवेज पर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, फायर ड्रिल हमें करवानी है अपने वर्क प्लेस पे, ताकि लोगों को, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सभी को इन्फॉर्मेशन रहे इस बारे में कि किस तरीके से हमें आग बुझानी है, कैसे कंट्रोल करना है ना। ठीक है, फिर आएगा क्रिएट एन इमरजेंसी कम्युनिकेशन प्लान, तो हम कम्युनिकेट कैसे करेंगे। ठीक है, तो अलर्ट कैसे कर सकते हैं हम, वाई मेल से हम अलर्ट कर सकते हैं, वॉइस मैसेज से हम अलर्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज से अलर्ट कर सकते हैं, और मोबाइल डिवाइस से जैसे कि कॉल पर हम अलर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप एक चैनल्स का भी यूज़ कर सकते हैं इंस्ट्रक्ट करने के लिए उन्हें, जैसे कि आपके यहाँ एक पूरा अनाउंसमेंट के लिए स्पीकर्स वगैरह लगे हुए हैं, वहाँ से इन्फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इन केस अगर वो वर्क ना करें तो आप मोबाइल का तो यूज़ करेंगे ही। ठीक है, उन सभी को फिर ये भी पता होना चाहिए उन्हें सबको कहाँ रिलोकेट होना है, कहाँ सभी को मिलना है, तो इस बारे में भी पता होना चाहिए कि सभी लोग कहाँ इकट्ठे होंगे, कहाँ गैदर होंगे, असेंबली पॉइंट पर, असेंबली पॉइंट कैसे कहाँ पर है एग्जैक्ट, सारी ये ट्रेनिंग में आप उन्हें सिखा देंगे कि ये असेंबली पॉइंट है, सब जब इमरजेंसी आती है तो हम सब यहीं गैदर होंगे, है ना। तो इस तरीके की सिचुएशन से भी हमारी कम्युनिकेशन प्लान जो है, कम्युनिकेशन पर भी प्लान्स पर भी हमें इसलिए ध्यान होता है ताकि हम कम्युनिकेट इजीली कर पाए, है ना। तो ये इमरजेंसी प्लान के बारे में हो गया कि हम इमरजेंसी कम्युनिकेशन प्लान कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम बात करेंगे स्टेट रिक्वायर्ड एक्शंस इन द इवेंट ऑफ एन इमरजेंसी। ठीक है, इमरजेंसी पे जब भी होने वाले जो भी स्टेट रिक्वायर्ड एक्शंस हैं उन पे हमें ध्यान देना होगा। ठीक है, इमरजेंसी के लिए जो भी हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम है, उन सब पर भी हमें आगे ध्यान देना होगा। ठीक है, प्रोटोकॉल्स क्या हैं, सेफ्टी डिटेल्स के जो भी प्रोटोकॉल्स हैं वो हमें फॉलो करने होंगे, इवैक्यूएशन कैसे है, शेल्टर कैसे, शेल्टर इन प्लेस। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे पास गैदर होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। विजिटर्स अगर आ रहे हैं तो हमें उनके लिए क्या क्या हमने सेफ्टी रखी हुई है। ठीक है, हमने विजिटर्स की एंट्री के लिए क्या कर रखा है, ये सारी चीज़ें भी हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे किस में आती हैं, इमरजेंसी कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर आती हैं। ठीक है, तो ये जो इमरजेंसी कंट्रोल प्रोग्राम है वो इसीलिए बनाया गया है ताकि जब भी कभी किसी की भी कोई भी इमरजेंसी, कैसी भी इमरजेंसी हो, तो आप उसे टैकल कर सकें विदाउट एनी एक्सीडेंट्स, आप उसे टैकल कर सकें, आप उसके साथ डील कर सकें। ठीक है, तो ये मैंने आज आपको इमरजेंसी प्लानिंग के बारे में बताया, इसका जो पार्ट सेकेंड था उसके पॉइंट्स के बारे में बताया। ठीक है, तो इस तरीके से हम
सेफ्टी पर ध्यान देते हैं, अपनी इमरजेंसी प्लानिंग पर ध्यान देते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ क्या होता है ना कि इमरजेंसी जब क्रिएट आती है एकदम से, तो हमारे पास कुछ उसकी प्लानिंग नहीं होगी तो एक्सीडेंट्स जो है वो ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो उनसे अगर हमें बचना है, इस तरीके के होने वाले एक्सीडेंट से अगर हमें बचना है, तो हम इस तरीके से अगर उसे टैकल करें, किसी भी एक्सीडेंट को हम टैकल करने के लिए इमरजेंसी प्लानिंग बनाएं, तो हम बहुत हद तक होने वाले जो एक्सीडेंट्स हैं उनसे होने वाले हार्म जो हैं, पीपल हार्म जो हैं, उनसे हम बच सकते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट सेकंड था प्रिपरेशन का, प्रिपरेशन फॉर इमरजेंसी कंट्रोल का। सो थैंक यू।